सूरजपुर पर बात करते हैं। डबल मर्डर कांड याद होगा आपको, जिसने सूरजपुर को दहलाकर रख दिया, उस पर बड़ा अपडेट आया। सीधा उसका रुख कर लेते हैं। सूरजपुर में हुए डबल हत्या के मामले में जांच चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिल रही है कि दोहरे हत्याकांड के मामले में मृतक मां बेटी का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल किया जा रहा है, जो कि गलत है, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पॉस्को एक्ट के तहत वीआईटी और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस ने चेतावनी दे दी है कि मृतका और उसकी नाबालिग बेटी का फोटो वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिदायत दी गई है कि जिनके भी मोबाइल में ये फोटो या वीडियो है तो उसको तत्काल प्रभाव से डिलीट कर दें। सूरजपुर मामले में लगातार अपडेट आ रहा है, पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, पुलिस हिदायत देती हुई नजर आ रही है। और देखिए, अब क्राइम सीन पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है और साथ ही इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश फॉरेंसिक टीम कर रही है। प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी की रविवार रात को हत्या कर दी गई थी। एक आरोपी कुलदीप साहू की कल गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस कई संदेहियों से पूछताछ कर रही है। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद से सूरजपुर में यह मामला गरमाया हुआ था। लोगों ने गुस्से में आकर आरोपी का घर जला दिया था। लगातार पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही थी, उसको ढूंढ रही थी, और कल आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। अब फॉरेंसिक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, हर एंगल से जांच करने की कोशिश की जाएगी। सूरज साहू ज्यादा जानकारी के साथ सूरजपुर से लाइव जुड़ चुके। सूरज, अपडेट दीजिएगा, इस वक्त फॉरेंसिक की टीम ग्राउंड जीरो पर है, जांच कर रही है, कुछ पहलू सामने आया क्या अब तक? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉरेंसिक की टीम जो है अभी मौके पे जो जहां वारदात हुई थी उस वारदात के मौके पे पहुंच चुकी है, और वही है कि हर एक एंगल से इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा इसका पंचनामा भी किया जा रहा है, और फॉरेंसिक की टीम जो है कि हर एक पहलू की जांच कर रही है कि क्या एंगल था, क्या था, क्या मामला था, कैसे घटना को अंजाम दी गई, किन किन हथियारों का और किन किन कपड़ों को फाड़ा गया, किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तमाम चीजें हैं जिस पे फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए सूरज शुक्रिया आपका।